भावी सम्राट में आप कौन कौन से गुण देखेंगे आचार्य? अखंड भारत पर राज करने वाला वो जो स्वयं से पहले औरों के बारे में सोचे। यार! तैयार। भावी सम्राट वो जो किसी भी चुनौती का सामना साहस से करें। भावी सम्राट वो जो असंभव को संभव कर दिखाए, जो हार के मुंह से जीत को खींच ले आए। आचार्य, तुरंत भाग चलते हैं यहां से। वत्स, अमाते राक्षस हमें पकड़ने के लिए चाहे जितने गुप्तचर लगा दे, चाहे मगध के विशेष सैनिक, हम यहां से चंद्रगुप्त को परखे बिना नहीं जाएंगे। पर आचार्य, इतने तनाव में आप उसे परखेंगे कैसे? और आपकी आदर्श राजा की परिभाषा भी कोई कम नहीं होगी। आचार्य, पता नहीं कौन कौन से गुणों पर आप उसे परखना चाहेंगे। आचार्य, इस समय हमारे लिए राक्षस का संकट बढ़ता जा रहा है। मेरे परख के बिंदु बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को? आचार्य, मैं तो समझ गया ये अच्छे राजा वाले सारे गुण, पर वो शिकारी आचार्य, उस बिचारी की तो आपने ऐसी गत बनाई है कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चंद्रगुप्त को परखने का एक भी अवसर नहीं देगा। अवश्य देगा।